Hello friends, this is Anita Karkodi, interior designer, consultant, entrepreneur and blogger also. Now friends, last video में हमने बात की थी nature of colors के बारे में, interiors में हम colors कैसे use करें. हमारी आज की video हमारे last video का ही extension है. इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटीरियर्स में हमें कलर्स को किस तरह से यूज़ करना है. जब हम कलर्स की बात करते हैं इंटीरियर्स में, तो बेसिकली हमें एक पेंटिंग के बारे में अगर हम सोचें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. आप कुछ इस तरह से सोचिए कि अज्यूम करिए एक पेंटिंग के बारे में. पेंटिंग में क्या होता है कि अगर हम कैनवास देखते हैं तो उसमें एक बैकग्राउंड कलर होता है, उसके बाद फिर बाकी जो भी पिक्चर होती है वो सामने से उसमें निकल के आती है, उभर के आती है. तो सेम हम लोग यूज़ करेंगे इंटीरियर्स में भी. इंटीरियर्स में हम जो हमारे वॉल्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, वॉल्स को हम बैकग्राउंड मान के चल रहे हैं पेंटिंग का. कि अगर हम एक पिक्चर की बात कर रहे हैं, एक पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इंटीरियर में वो हमारी पेंटिंग का बैकग्राउंड कलर हमारी वॉल्स हैं. तो वॉल को हमें वही ट्रीटमेंट देनी है. यानी बेसिकली होगा ये कि हमें बैकग्राउंड को लाइट टोन में रखना है. कि सारे हमारे जो दीवारें हैं, दीवारों का रंग हमें लाइटर टोन में रखना है. जैसे हम लोग ले सकते हैं वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, बेस कलर, लाइट ग्रे, किसी भी कलर का आप एकदम लाइटर जो टोन होगा वो हम अपने वॉल्स को दे सकते हैं कलर्स के में. बिकॉज हमें अपने वॉल्स को टोन डाउन करना है, हमें उन्हें एकदम से हाईलाइट नहीं करना है. और फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया है कि वॉल्स के लिए कि हमें उन्हें टोन डाउन करना है, बैकग्राउंड में लेके जाना है उन्हें, एकदम हमें हाईलाइट नहीं करना. सेकंड पॉइंट, वॉल्स में ही अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं तो ये है कि बिकॉज अगर हमारे जो एरियाज़ हैं वो, अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा है तो हमें इतना बॉदर करने वाली बात नहीं होती. हालांकि हमें बैकग्राउंड उसमें भी क्रिएट करना है, लाइट टोन्स उसमें भी रखना है, बट अगर हमारे एरियाज़ काफ़ी बड़े हैं तो इतना हमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है. हम कुछ बोल्ड कलर्स भी कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं. बट अगर हमारे स्मॉलर एरियाज़ हैं और हमारे लाइट भी थोड़ी कम है तो फिर हमें अवॉइड करना होगा डीप कलर्स को, डार्क कलर्स को. और ये तो हो गया हमारे वॉल कलर्स के बारे में. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्स के लिए कि हमें टोन डाउन करना है और हमें अपनी जो वेंटिलेशन है एंड लाइट, हमारी जो स्ट्रेंथ है, क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइट है, वो सब भी हमें देख के लाइट कलर्स ही चूज़ करने हैं बैकग्राउंड के लिए, वॉल्स के लिए. इसके बाद हमें जो बाकी कलर स्कीम हमें चूज़ करनी है वो हम सोचेंगे कि अगर हम किसी एक रूम के बारे में बात करते हैं तो उसमें अगर हमें ऑलरेडी फर्नीचर कुछ हमारा रिटेन हम करना चाह रहे हैं, कुछ हमें रखना है पूरा, हम डिसमेंटलिंग करके नया नहीं बना रहे हैं, तो कुछ अगर हमें रखना है पुराना तो उसमें हमें कोई एक चूज़ करना होगा. हम उसको एक अपना मेन प्राइम पॉइंट हम उसको कह सकते हैं कि जिससे हमारे जो बाकी कलर स्कीम है वो उसी से हम उसको लेके चलेंगे आगे. तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक फर्नीचर हमारा मोस्टली ब्राउन कलर का अगर आ रहा है और हम उसको रखना भी चाह रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं करना चाह रहे, तो यानी हमें ब्राउन कलर हमारा एक प्राइम कलर हो गया और उससे फिर रिलेटेड हमें अपनी कलर स्कीम बनानी पड़ेगी. तो जैसे ब्राउन कलर है उसके साथ में हम ऑफ वाइट अपने वॉल्स ले सकते हैं, फिर हमारे जो कर्टेंस हैं वो भी कुछ इसी तरह से कि बेज कलर में आ जाए या ब्राउन में कुछ पेस्टल कलर्स में आ सकते हैं अगर बिगर एरियाज हैं. अदरवाइज़ हम कर्टेंस को वॉल वाले कलर में ही लेके चलेंगे. अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा कलर स्कीम के साथ में कि हमें कलर्स अपने रूम में बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं करने हैं. कि हमने ब्राउन हमारा एक प्राइम कलर था, हमने ऑफ वाइट ले लिया, कि बहुत सारे कलर हम लेके आ गए, ऐसे नहीं करना. हमें बहुत सारे कलर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना. हमें तीन हम कलर्स लेके चलें तो हमारे लिए ठीक रहेगा. या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम चार कलर्स भी लेके जा सकते हैं. कि जैसे अगर हमारा कोई प्राइम कलर हम लेके चल रहे हैं कि हमारा पिंक कलर है, तो पिंक के साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं कि ब्लू एक हो गया और कुछ हम वाइट भी ले सकते हैं. इस तरह से हमने एक कलर स्कीम बना ली पिंक, वाइट एंड ब्लू के.
इसके साथ में अगर आपको कहीं पर कुछ ग्रीन का भी लेना है टच, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ हमें अपना पूरा कलर स्कीम इसी के आसपास हमें रखना पड़ेगा। अब हमारे जो वॉल कलर्स हैं वो लाइटर टोन में आ गए, यानी हम इसका पिंक का एकदम लाइटर टोन वॉल्स में ले सकते हैं, या फिर हम वाइट वॉल्स ले सकते हैं। और जैसे हमारी अपॉलिस्ट्री है वो हम लाइट कलर्स में ले लें, कि कुछ अगर हम चेक्स में ले लें तो उसमें कुछ ये लाइंस आ सकते हैं इस तरह, उनकी पिंक ग्रीन मिक्स हम कुछ कर सकते हैं। या अगर हमारी बेडशीट है तो उसमें हम इस कॉम्बिनेशन को ले लें, या फिर इसमें से हम एक चूज़ कर लें, सिंगल कलर को हम लेके चल सकते हैं। यानी हमारा जो एक रूम है उसमें ये तीन कलर हम जो लेके चल रहे हैं वो स्मॉल स्मॉल प्रोपोर्शन में सभी कलर्स आ रहे हैं, बट एक कलर इसमें प्राइम कलर होगा हमारा, बाकी जो दो कलर हैं वो इसको कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और बेसिकली जो वॉल का कलर है वो लाइटर टोन वाला हमारा चले रहा है, इस तरह से हमें करना है। यानी अब अगर हम एसेसरीज भी हमें परचेज करनी है, या हमें कुशन खरीदने, कुशन कवर हमें बनाने हैं, लेके आने हैं, कुछ भी करने हैं, तो हमें पहले अपनी कलर स्कीम याद रखनी पड़ेगी, कि जो हमारी कलर स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी परचेजिंग करनी है, कुछ भी शॉपिंग करनी है, हम कुछ भी ऐसे कहीं भी हमें कुछ पसंद आया वो हम लेके इस रूम में नहीं आ सकते। वो अपनी कलर स्कीम हम पहले देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी शॉपिंग करनी होगी। बिकॉज़ अगर आप कुछ भी उसमें रख रहे हैं, अगर मान लीजिए अपने कुशन कवर भी आप आउट ऑफ आपकी कलर स्कीम जाता है ना, तो वो भी इम्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और फिर ख़राब लगता है इंटीरियर में। तो बिकॉज़ हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है, तभी फिर हमारा एकदम बिल्कुल डिज़ाइनर रेजिडेंस लगता है, इंटीरियर्स लगते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, कि हमें बहुत सारे कलर्स को यूज़ नहीं करना, और बैकग्राउंड का तो एक है ही कि हमें लाइट टोन में रखना है। इसके अलावा हमें देखना होगा कि हमारा जो पूरा इंटीरियर है उसमें एक बैलेंस रहना चाहिए, हार्मनी रहनी चाहिए, कि हम ऐसे ना हो कि हमने कुछ भी हमें पसंद आया हमने पिक किया रख दिया। नहीं, हमें अपने कलर स्कीम को भी देखना होगा, फिर हमें अपने रूम का जो एक बैलेंस हो रहा है स्केल वाइज फर्नीचर का, वो सब भी हमें देखना होगा। तो ये सब करके एक टोटल इम्पैक्ट आता है इंटीरियर्स का, कलर स्कीम हो गई, फर्नीचर का स्केल हो गया, इसके बाद ये सब कुछ मिलके एक इंटीरियर कहलाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हमने कलर स्कीम के बारे में डिस्कस किए। ये कलर स्कीम आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी रूम के लिए, बेडरूम में भी आप इसको यूज़ करिए, लिविंग रूम में भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं। बट हमें फोकल पॉइंट्स का भी इनमें ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने बात की कि अगर हम वॉल्स के बारे में बात करें तो लाइटर टोन्स में हमें करना चाहिए, बट कभी कभी हमें होता है कि बोल्ड कलर, डीप कलर्स भी हमें अच्छे लगते हैं, कि वाई नॉट वी शुड यूज़ देम, तो वो भी होता है। तो वो भी हम लोग उस तरह से फिर कर सकते हैं, कि स्पेशली जो कुछ एरियाज़ हैं हमारे, कुछ निशेज हो गए हमारी, या कुछ हमारे रिसेस पार्ट हो गए, उनमें हम कुछ बोल्ड कलर्स को ले सकते हैं। इट मीन्स कि कुछ जो स्पेशल एरियाज़ हैं वहाँ पे हम डिफरेंट कलर को लें, डिफरेंट टोन्स को लें, सो दैट कि वो एनहेंस करेगा उस एरिया को, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, अगर निशेज आ रहे हैं सामने तो उनको वो निकाल के लेके आता है बाहर, इम्पैक्ट क्रिएट करता है एक अलग से। ऐसे नहीं होता कि जो आपके निशेज हैं वो बनाए हैं लेकिन फिर भी वो नज़र नहीं आते। तो अगर डिफरेंट कलर उसमें लेते हैं और कुछ ब्राइट एंड बोल्ड कलर आप उसमें यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो अच्छे लगते हैं। अदरवाइज वॉल्स के लिए आप लाइटर टोन्स में जाएं, बट जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं हमारे, जैसे किचन में काउंटर है, या फिर कुछ हमारी कॉर्निसेज आ रही हैं, या फिर अगर हम लिविंग रूम में हैं तो हमारे कोई एक वॉल हो सकती है जिसको हम प्रोमिनेंट एरिया की तरह से उसको क्रिएट कर लें, फोकल पॉइंट भी आप उसको कह सकते हो। या हमारा कोई अगर ड्राइंग रूम है उसमें फायर प्लेस आ रहा है, जैसे पहले टाइम में होते थे फायर प्लेसेज हैं, या फिर कोई स्टोन वॉल आ रही है, तो वो डिफरेंट कलर्स में होंगे तो अच्छे लगेंगे, हार्मोनाइज वे में हम इनको यूज़ भी कर रहे हैं, और ये हमारे पूरे इंटीरियर का पार्ट ही दिखता है। ये बैलेंस हो जाएगा इस तरह से आपका इंटीरियर। तो ये आज के हमारे कुछ एक्सपर्ट टिप्स हैं, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे।
आगे भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, तो इसके लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और अगर आप कुछ हमसे अलग टॉपिक पर भी डिस्कस करना चाहते हैं, इंटीरियर से रिलेटेड या लाइफस्टाइल के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर हमारी नेक्स्ट वीडियो हो। थैंक यू।